वलसाड़ के पास आए डूंगरी गांव में स्थित बालाजी वेफर कंपनी के पास नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मुंबई से सूरत की ओर जाने वाली लेन में प्रातः सुबह एक कंटेनर यान के धागे भरकर जा रहा था कि उसी दौरान कंटेनर के कैबिन में अचानक से ही धुआं निकलने लगते कंटेनर चालक ने स्टेयरिंग पर से अपना संतुलन खोया था और इससे पहले कि चालक को कुछ समझ में आए कैबिन ने आग पकड़ ली, जिस कारण चालक के कैबिन से छलांग लगा देते हाईवे पर कंटेनर पलटी हो गया था और अचानक आग पकड़ ली थी। हालांकि इस घटना में कोई जान हानि नहीं हुई थी, परंतु कंटेनर पलटते उसमें भरा हुआ सामान हाईवे पर बिखर गया था। हाईवे के बीचों बीच टैंकर के पलटी हो जाने से ट्रैफिक जाम की स्थिति खड़ी हो गई थी, जिसमें सूरत की ओर जाने वाली लेन पर 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। प्रातः सुबह हुई इस घटना के चलते ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत ही स्थल पर पहुंच गई थी और 2 क्रेनों की मदद से हाईवे को खुलाकर ट्रैफिक पर काबू पाया था।